यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को आज संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, सपा बसपा मैदान से गायब थी। उस वक्त या तो केंद्र सरकार काम कर रही थी या प्रदेश सरकार। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के कार्यों को पूरी दुनिया ने सराहा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में जहां तमाम राजनीतिक दल लैपटॉप और ट्विटर पर सक्रिय थे, उस दौरान प्रधानमंत्री ने लैब में जाकर वैक्सीन बनाने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा किया है। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और सपा और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार हर घर योजना ला रही है, इसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने खोड़ा नगर पालिका और मोहन नगर जोन के लिए गंगा जल लाने का भी वादा किया। अब केराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका सागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। एटा में एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में साइकिल सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक मॉल की सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड की है। वो सिटी मॉल में जॉब करते थे और जॉब करके वो घर के लिए जा रहे थे। सुखाबार रोड पे पीएल गार्डन पड़ता है, जो उसी के बराबर में अज्ञात बोलेरो वाले ने आकर के और उन्हें टक्कर मार दी। तो मौके पर मौत हो गई? नहीं, मौके पर नहीं हुई है। वहाँ दबाव वगैरह चली उनकी, उसके बाद वहीं तक दम तोड़। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन पर गंगोह पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए ये सफलता हासिल की है। बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में जो है 50 लाख बताई जा रही है। जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो नशा व्यापारियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी में एक बड़ी सफलता जो है थाना गंगो को मिली है। इसमें मुखबिर की सूचना पर थाना गंगो को ये मिली थी कि सूचना कि एक गांव मैनपुरा जो पड़ता है, वहां का एक शाकिब पुत्र इमरान, ये जो है बड़ी खेप में स्मैक बाहर से लेकर आया है और ये यहाँ पर इसको वितरण करने का काम करता है, बेचने का काम करता है, जिस पर कि थाना गंगो द्वारा उप निरीक्षक इंद्रसेन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उनके द्वारा इसमें जो है पूरा स्कीम करके इसको स्मैक के साथ बुलाया गया और इसके जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से करीब 505 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है, उसके साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दूसरे दिन आज देवबंद में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सूबे में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। गुंडागर्दी का जो माहौल खराब है, जो जेएनयू में नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये लोगों की जरूरत नहीं देश में, ये लोगों की जरूरत नहीं यूपी में। मुसलमान हिंदू मतलब मैं आवाज देता हूँ तो मुसलमान को देता हूँ और हिंदू को भी देता हूँ। ये 20-80 दूसरे आप दूसरे नजरिए से मत देखिए, वो लोगों के खिलाफ है 20-80 जो अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। आज उत्तर प्रदेश केंद्र और राज्य सरकार दोनों का लाभ ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास देते तो हिंदू भी मुसलमान लेता है, सड़कों बन रही तो उनके घर से भी बनता है यहाँ बनता है, और जो टॉप विद्यार्थी या मुसलमान चाहे हिंदू करे, वो सड़कों को जोड़ने का और अब्दुल कलाम के नाम से सड़क का नाम रखने से ये शहीद हुए नौजवानों के घर पर पक्की सड़कें देने का काम योगी सरकार ने किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर दौरा रद्द हो गया। बता दें कि मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में डिप्टी सीएम को
सैनी समाज के 150 लोगों के साथ बैठक करनी थी। ये बैठक तिगाई गांव के हरबंस राय डिग्री कॉलेज में होनी थी। वहीं आचार संहिता के चलते हापुड़ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसका नजारा गढ़मुक्तेश्वर के NH9 पलवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट पर देखने को मिला, जहां हापुड़ एडिशनल SP सर्वेश मिश्रा और पुलिस चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह ने भी अपनी टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया और रोड पर जा रहे वाहनों की चेकिंग की। बता दें कि पहले चरण के लिए 10 फरवरी को हापुड़ में मतदान होना है, जिसको लेकर हापुड़ पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी पिछले दिनों भी हापुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 34,70,000 रुपये भी एक गाड़ी से बरामद किए थे। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे हमारे यहाँ पूरा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर है कुल 15 वहाँ पे चेकिंग की जा रही है, जिनमें से एक पलवाड़ा भी है। तो जिसमें गैर जनपद से आने वाले जो भी वाहन हैं उनको चेक किया जा रहा है। मुख्य रूप से चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही है, इनके पास कोई असला ना हो, कोई अवैध तरीके से शराब ना हो या अवैध तरीके से कैश का परिवहन ना हो, इन्हीं सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। लिमिट तो 50,000 रखी है, लेकिन 2.5 लाख तक के लिए बताया गया। अगर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, अगर वो सही कारण बताते हैं, अच्युतपूर्ण कारण बताते हैं, तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। अन्यथा जो हमारे यहाँ FST और SST है, ये इनको मैटर को देखती हैं और उसके बाद उसे जब्त करती हैं। है जनपद हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के पलवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट पर। मैं आपको बता दूँ, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ही लगातार हापुड़ पुलिस प्रशासन जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ यहां पर चेकिंग अभियान जारी है। और आप देख सकते हैं नेटवर्क 10 तस्वीरों के माध्यम से, मैं कैमरामैन से कहूंगा, कैमरामैन एक बार दिखाएं कि हापुड़ पुलिस जो है लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। और यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ जो जा रही हैं, जितनी भी गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है और गाड़ियों को यहाँ पर जो है संपूर्णतः चेक किया जा रहा है, और यहाँ जो गाड़ियों के जो अंदर जो बैग वगैरह हैं उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पहले चरण 10 फरवरी को यहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर जो है चुनाव के मद्देनज़र पूर्णतः यहाँ पर निगरानी की जा रही है। और जितनी भी यहाँ आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी गाड़ी के अंदर कोई अवैध अशरा वगैरह ना हो या कोई शराब वगैरह ना हो या केस वगैरह ना हो। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी हापुड़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो चेकिंग अभियान चलाया गया था कुछ दिन पहले ही, अभी यहाँ पर जो है 34,70,000 रुपये की एक गाड़ी से जो है कैश की बरामदगी भी की थी हापुड़ प्रशासन। और जो यहाँ पर जो है हापुड़ के अंदर फ्लैग मार्च भी यहाँ पर निकाला जा रहा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार पूर्णता आदेशों के बाद यहाँ पर जो चाहे SSP दीपक बुकर हैं, उन्होंने भी लगातार जनपद पर पूर्णता निगरानी बना रखी है और यहाँ जो चुनाव जो बूथ बनाए गए उन पर भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तक आने वाले जो चुनाव है उन पर जो है संपूर्णता पुलिस प्रशासन की नजरें बनी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। बुलंदशहर में SSP ने अपनी गाड़ी से छात्रा को TET की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र भेजा। दरअसल एक छात्रा गलती से अपने असल परीक्षा केंद्र की जगह 10 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गई थी, और जिसके बाद वो काफी परेशान हो गई। परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे SSP संतोष कुमार सिंह ने छात्रा को परेशान होता देख उन्होंने अपनी गाड़ी से छात्रा को उसके परीक्षा केंद्र पहुंचाया। तो छात्रा बेहद परेशान थी और गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई थी, जिसके बाद 10 किलोमीटर आगे दूर छात्रा का परीक्षा केंद्र था, जिसके बाद SSP ने छात्रा की मदद की और अपनी गाड़ी से उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। वहीं संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बदमाशों के 3 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मौके से 2 तमंचा और बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाश हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके का है और जिन्होंने मुरादाबाद के मुंडा पांडे में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। ये थाना अचौड़ा कम्बू के पास में आज ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले चंदौसी में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग उसको वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। कल मूड़ा पांडे थाने के अंतर्गत मुरादाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो लूट का प्रयास कर रहा था, उसके बाकी साथी भाग गए थे। तो इन सभी पर
इनका नाम हम लोगों को पता चला, इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था। तो आज जब इनको चेकिंग की जा रही थी इनके आधार पर, तो इनकी एक मोटरसाइकिल के साथ में और 2 तमंचे के साथ में इन लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है। इनके द्वारा पहले पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में इन दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वही नोएडा में रुक रुक कर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंड बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही गलन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नोएडा में बारिश के साथ तेज हवा चलने से मौसम में आए परिवर्तन से ठंड का प्रकोप जारी है। यहां चल रही शीत लहरी लोगों को कपा रही है और लोग अलाव जलाकर ठंड के प्रभाव को दूर करने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 24 घंटे में बारिश की संभावना है। हल्की बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में खासा सुधार हुआ है। शनिवार को नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 और ग्रेटर नोएडा का 260 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हुए खबर बदायूं से है, जहां एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि खेत में एक युवक का शव मिला था, जिससे इलाके में सनसनी मच गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लूट की एक बाइक बरामद किया गया है। आपको बता दें मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और इसके साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। एक टीम का गठन कर फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। तो बदायूं से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, ऑल डिटेल्स संभाले गए और इनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल मौके से मिसिंग था। इन्वेस्टिगेशन से हमारे थाना फैजगंज बेहटा की टीम ने और ट्रेडिशनल एसपी रूरल और सीओ इसौली के नेतृत्व में आगे काम किया और एक दिन के अंदर ही इस घटना का खुलासा कर दिया। ये व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, इनका नाम है सुनील। ये पासी के गांव में चंदौसी थाना अंतर्गत इनका गांव आता है, रहते थे। ये एक मोटरसाइकिल धुलाई वाली दुकान पे ये काम करते थे। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, केशव प्रसाद मौर्य को बदनाम करने की साजिश। डिप्टी सीएम को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई है। कौशाम्बी दौरे के दौरान महिलाओं ने किया था विरोध। जिला पंचायत सदस्य के पति के लापता होने पर नारेबाजी की गई थी और अब जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य सामने आई और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री को पूनम मौर्य ने बताया कि बड़ा भाई और साथी संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से हमारे परिवार को कोई नाराजगी नहीं है, नारेबाजी करने वाली महिलाओं को हमारा परिवार नहीं जानता, साजिश के तहत हंगामा किया गया, पूनम मौर्य ने ये कहा। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री हमारे परिवार को सांत्वना देने आए हुए थे। पूनम मौर्य, मेरे राजीव मौर्य उनकी पत्नी हूँ मैं। वो आज 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने हमसे बात भी की है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि वो मेरे घर आए हैं, मेरा वो काम करेंगे, वो ढूंढ के लाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जनता क्या कर रही है ये मुझे नहीं पता। जनता क्यों ऐसा कर रही है ये मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, जो आके यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे केस के लिए बहुत बड़ा घातक बन सकते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।